नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2 फरवरी के दिन भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपकी 3 इच्छाएं पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, यश में जो ग्रह, जो नक्षत्र और जो तिथि है, इनके दुर्लभ संयोगों के कारण आपके जीवन में यश में भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद पड़ रहा है और मंगलवार का दिन है। ऐसे में भगवान बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र पर रहने वाली है, जहाँ पर दोस्तों 3 क्षेत्रों में आपकी 3 इच्छाएं पूरी होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दें, यश में ग्रहों के चाल के साथ साथ आपके जीवन में ये बड़ी खुशखबरी आपका जीवन बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी घटनाएं आपके भविष्य में आने वाले सभी सफलताओं को आपके कदमों में लाकर रखेंगे, बशर्ते दोस्तों आपको 1-2 क्षेत्रों में लेकर सावधान रहने होंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इन्हें मिस ना करें और इन्हें सदुपयोग में लाएं, ये आपका दायित्व होगा। इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, जो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, जय बजरंगबली लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, साथ ही सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। आपको बता दें कि आप किसी विशेष प्रयोजन को हासिल करने में भी सक्षम रहेंगे। आपको बता दें, लोग आपकी योग्यता के यश में कायल होंगे। कई प्रकार की रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिल सकती है, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र में जो भी पेशा फंसा हुआ है, यश में आपको मिल सकता है। परंतु दोस्तों, यश में सावधानी की बात करें तो यश में ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको लक्ष्य से भटका सकता है। तो दोस्तों, यश में इन बातों पर आप गौर करें। दोस्तों, मन को समृद्ध रखें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। कोई निर्णय लेने में दिक्कत तो आएगी, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, उनमें सुधार रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यात्रा से संबंधित निर्णय में थोड़ा बदलाव आ सकता है। यात्रा करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज और पैसे को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि आपके लापरवाही की वजह से यश में नुकसान होने की आशंका भी बन रही है। तो दोस्तों, खासकर आपको बता दें, यश में आपको इनसे सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों सतर्कता जरूर रखें। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए आपको अपने जीवन शैली में जो है थोड़ा सा बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। आपको बता दें, घर में नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव हो सकती है। किसी मित्र के दुख दर्द में या फिर उनके तकलीफ में उनकी सहायता करना आपको यश में आत्मिक खुशी भी प्रदान करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क भी यश में आपके बढ़ने वाले हैं, जो कि भविष्य में आपको आर्थिक रूप से सक्षम और सुदृढ़ बनाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में प्रॉपर्टी अथवा वाहन को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिजूल खर्ची पर यश में आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आकस्मिक ही कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे। योजना को जो है क्रियान्वित करने में कुछ परेशानी भी यश में आ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जो भी हो, उनकी गति आगे बढ़ते रहेंगे और परिस्थिति को आप अपने पक्ष में कर भी पाएंगे। आपको बता दें कि पैसे से संबंधित तकलीफें कम भी होंगी, क्योंकि दोस्तों आप अपने कार्यों में बहुत अधिक तरीके से ध्यान को केंद्रित भी कर पाएंगे। परिवार की व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित लाभ मिल पाना यश में के लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। फिर भी दोस्तों, व्यक्ति के प्रति मन में बढ़ते हुए रोष को खुद पर हावी न होने दें, इस बात का ध्यान रखें। आपको बता दें कि दोस्तों, आपके अंदर बना गुस्सा और मानसिक तकलीफ होने की वजह से किसी भी बात पर पूरा ध्यान दे पाना यश में आपके लिए कठिन होगा, तो जरूर इन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों, यश समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थी तथा युवा वर्ग शिक्षा संबंधी कोई दुविधा दूर होने से आपको राहत महसूस होगी तथा अपने फैसले स्वयं लेने की हिम्मत भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि घर के बड़े सदस्यों का सहयोग और फिर सलाह आपकी उन्नति में सहायक साबित होंगी। आपको बता दें, यश में अपने अंदर शक और वहम जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें, क्योंकि दोस्तों इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें, गलत जगह पूंजी निवेश भी हो सकती है, इस बात का यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बेवजह खर्चा होने की आशंका तो बन रही है, इसलिए कोई भी खर्चा करने से पहले सोच समझकर निर्णय लेने का आवश्यकता होगा।
नहीं तो दोस्तों आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हड़बड़ी में निर्णय न लें, ना ही पूरी बात को जाने बिना बूझे निर्णय लें। तो दोस्तों बहुत ही सतर्कता से निर्णय लें, यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काफ़ी दिन से चल रही व्यस्तता के कारण आप जो है यश में आराम करने के मूड में भी रह सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से मुलाकात आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में सोच विचार अवश्य करें, आपको अवश्य उचित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ध्यान रखें कि दोस्तों बहुत अधिक आत्मविश्वास भी आपके लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकती है, इसलिए यश में शांत चित तरीके से परिस्थिति का मनन करें, आपको बता दें उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। घर के बड़े बुजुर्गों की किसी भी बात की जो है अवहेलना ना करें, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में घटी घटनाओं की वजह से यश में आपको फिर से तकलीफ होने की आशंका बन रही है, जिसकी वजह से पूरा दिन पूरा जो समय होगा आपके लिए इनसे संबंधित नई योजना बिगड़ सकती है। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें और अपने मानसिक तनाव को दूर करने की यश में प्रयास करें। आप इनमें मेडिटेशन में भी ध्यान दे सकते हैं, इनसे आप काफ़ी आत्मिक खुशी का जो है महसूस कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसी महत्वपूर्ण बात को सुलझाने का मार्ग भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए भावनात्मक तकलीफ से दूर न भागें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन संबंधी योजनाएं चल रही है तो दोस्तों उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, जल्द ही उचित परिणाम सामने आएंगे। परंतु ये जो समय है आपके लिए धन के लेन देन संबंधी कोई भी कार्य ना करें, दोस्तों ये आपके लिए यश में महत्वपूर्ण होंगे, तो इस बात पर गौर करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियाँ समान ही रहेंगी, यश में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श भी होगा। नई पार्टियों से ऑर्डर लेते समय सोच समझकर निर्णय लें। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में कोई भी डील यश में संभव ही हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों से संबंध आपके लिए नई उपलब्धियां का प्रदान करेंगे। परंतु यश में राजकीय मामलों को लेकर सचेत रहना आपके लिए जरूरी होगा। ऑफिस में बॉस अथवा उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है, इस बात पर गौर करें। यश में धैर्य और संयम का दामन आपको थामे रखना है, इस बात पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है, आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी, टैक्स लोन जैसे मामलों में कुछ उलझने भी उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों की पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं, इसलिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप निष्ठा से नहीं करेंगे तो फिर आपकी पदोन्नति में विघ्न आ सकते हैं, तो इस बात पर गौर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा, पुरानी यादें भी ताजे होंगी तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि घर परिवार का वातावरण यश में अनुशासित तथा व्यवस्थित बना रहेगा, आपसी संबंधों में भी मधुरता और उचित तालमेल बना रहेगा। इसके साथ दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यस्तता के साथ साथ विवाहित संबंधों तथा घर परिवार के लिए समय अवश्य निकालें, इससे आपसी सामंजस्य तथा प्यार बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय यश में नष्ट ना करें, इनसे आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें विवाहित जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका गुस्सा इसमें प्रेम संबंधों में तकरार उत्पन्न कर सकता है, इस बात पर गौर करें। साथ ही प्रेम संबंधों में इसमें नजदीकी आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में शारीरिक और मानसिक आराम भी आपको करना जरूरी है, इसमें कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालें और मनोरंजन आदि में समय को व्यतीत करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके साथ ही कुछ नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी होंगे, जिनका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा। मेडिटेशन तथा योगा भी आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, दोस्तों ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में जो है कब्जियत और गैस की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, सात्विक चीज़ों का सेवन करें तथा खान पान को यश में आप व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें अगर आप साधनों को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका अंत में ठीक रहेगा, डायबिटीज लोग लापरवाही ना बरतें।